गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका पुनः स्वागत है। आज हम ड्राई फार्मिंग या शुष्क कृषि के ऊपर चर्चा करेंगे। जो शुष्क जो कृषि जो होती है, इस विषय को हम अगर भौगोलिक अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भारत के भूगोल के अंदर भी इसको शामिल किया जाता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग की जब हम बात करते हैं वहाँ इसको शामिल किया जाता है। और जैसे कि हमने एक सीरीज आपके लिए रीजन और रीजनल प्लानिंग के ऊपर शुरू की है, तो जो ड्राई फार्मिंग जिन एरियाज़ में की जाती है तो वो शुष्क क्षेत्र या ड्राई रीजन्स होते हैं। तो इसकी अपनी स्पेसिफिक जो विशेषताएं होती हैं, उस दृष्टिकोण से जो ड्राई फार्मिंग या ड्राई आइडेंटिफाइड जो एरियाज़ होते हैं, जो रीजन्स जो होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर वहाँ पर जो डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इसको हम एक विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा व्यापक जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग जो ड्राई फार्मिंग है वो कॉन्सेप्ट है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो मानसूनी क्लाइमेट मिलती है, और अगर हम दो शब्दों की बात करें तो अनसर्टेनिटी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनिश्चितता और असमान वितरण जो है वो मानसून की विशेषता होती है। और उन क्षेत्रों के अंदर एक तरह से जो ड्राई फार्मिंग की जो स्थितियां हैं या केवल वर्षा पे डिपेंडेंट हैं या जो मॉइस्चर जो नमी जमी में होता है भूमि में होता है उसको संरक्षण कर वहाँ पर अगर भूमि कृषि की जाती है तो वो उस ड्राई रीजन के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये विषय जो है जो रीजनल जो प्लानिंग है रीजनल जो डेवलपमेंट है उससे भी जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ड्राई फार्मिंग की जो इम्पोर्टेंस है भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो टेम्परेचर रेनफॉल और इनके अंदर जो अनसर्टेनिटी की जो संभावनाएं बढ़ी हैं, तो वो उन स्थितियों के अंदर जहां भारत के अंदर मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उस दृष्टिकोण से हमारे लिए जो ड्राई फार्मिंग को समझना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ड्राई फार्मिंग को टेक्निकली ज़्यादा साउंड करना और इसके अंदर जो भी इनोवेशंस किए जा सकते हैं उन सबको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं, ड्राई फार्मिंग की क्या विशेषताएँ होती हैं, ड्राई फार्मिंग के लिए संरक्षण के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, उनके ऊपर चर्चा कीजिए। तो वो थोड़ा आज हम इस वीडियो में संक्षिप्त में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं तो एक जनरल जो बात है, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन हम केवल जनरल बात करेंगे तो कम वर्षा वाले और जहाँ पर वर्षा अनिश्चित होती है, मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, किसी पर्टिकुलर माह में ज़्यादा वर्षा होना और कभी बिल्कुल ना होना, कभी बिल्कुल कम होना, तो ये सब चीज़ें जिन क्षेत्रों में मिलती है वहाँ पर सामान्यतः जो ड्राई फार्मिंग है वो हमें देखने को मिलती है। अगर रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सामान्यतः वो क्षेत्र जहाँ पर 75 सेंटीमीटर या 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को हम ड्राई फार्मिंग रीजन्स के अंदर शामिल करते हैं या ड्राई जोन्स जो होते हैं उनके अंदर शामिल करते हैं। कुछ विद्वान जो है इसको 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, या हम ये कहें कि क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से जो सेमी अरिड जोन्स जो होते हैं वो सब ड्राई फार्मिंग एरियाज के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। जो शुष्क जो कृषि होती है वो एक एग्रीकल्चर की ऐसी एक टेक्निक है जिसमें विभिन्न जो कार्यक्रम हैं या विभिन्न जो टेक्निक्स हैं या प्रबंधकीय जो दृष्टिकोण हैं उनके माध्यम से जो ड्राई एरियाज होते हैं, जो वेटलैंड्स होती है, बंजर भूमि जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है।
अब अगर इनकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो विशेषताओं में एक तो ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ हर साल जो है वर्षा सामान्यतः कम होती है, वर्षा की मात्रा वितरण में बड़ी अनिश्चितता होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है काफ़ी अधिक होता है, जो वायु होती है उसका प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ड्राई एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर कोई डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण वहाँ की जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और वर्षा की कमी के कारण जो सॉइल होती है उसके अंदर नमी या मॉइस्चर का अभाव होता है, और अत्यधिक इरोजन से वहाँ की जो सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर को संचित रखने की जो क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और भूमि की जो मैंने जैसे कहा कि उपजाऊपन कम होना, उसकी फर्टिलिटी को कम होना, ये सब चीज़ें यहाँ की विशेषताएं होती हैं। अगर हम अन्य विशेषताओं के लें कि जो शुष्क जो ड्राई जो एरियाज़ होते हैं, ड्राईलैंड जो एरियाज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इल डिस्ट्रीब्यूटेड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल होती है, कम वर्षा और उसमें अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ पर सामान्यतः जो क्लाइमेटिक जो हैजार्ड्स जो होते हैं, जो जलवायु जो आपदाएं होती हैं, चाहे वो ड्रॉट हो चाहे वो फ्लड हो, वो ज़्यादा होती है, और जो यहाँ की अगर सॉइल सरफेस की बात करें तो बड़ा असमतल होता है, और अगर जो लैंड होल्डिंग की बात करें तो एक्सटेंसिव एंड लार्ज होल्डिंग यहाँ देखने को मिलती है, और सामान्य क्योंकि रेनफॉल कम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं सामान्यतः जो है मोनोक्रॉपिंग या एक ही फसल का जो है उत्पादन यहाँ किया जाता है। अगर हम राजस्थान के विशेषकर वेस्टर्न राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पर जो मोटे अनाज की जो फसलें हैं, जो रेनी सीजन के अंदर जो थोड़ी बहुत जो मॉइस्चर उनको वर्षा से मिलता है, वहाँ पर बाजरे की जो कृषि है वो प्रमुखता से एक मोनोक्रॉपिंग के रूप में की जाती है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है नहीं, रेनफॉल पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मोनोक्रॉपिंग होती है, तो यहाँ जो फील्ड्स जो होते हैं, खेत जो होते हैं, उनकी जो साइज़ होती है सामान्यतः जो खेत होते हैं वो बड़े होते हैं, और यहाँ जो फार्मर्स होते हैं तो उनकी जो स्थितियों की अगर हम बात करें तो वो सामान्यतः कमज़ोर होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि उनकी इनकम जो है अच्छी हो सके, तो सामान्यतः जो इसलिए इनकम कम होती है तो वो जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाते, साथ ही यहाँ की जो क्रॉप यील्ड होती है वो कम होती है, जो उत्पादकता जो होती है जो बीजों की वो काफ़ी कम होती है, और यहाँ मार्केट फैसिलिटी होती हैं वो बहुत वीक होती है, और पुअर इकोनॉमी ऑफ द फार्मर जैसे हमने बात की भी है, और यहाँ जो जब हम कृषि की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कृषि के साथ साथ जो पशुओं का पालन जो किया जाता है वो भी उसी के अंदर शामिल किया जाता है, तो यहाँ जो कैटल जो हैं वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, या हम ये कहें कि उनकी जो क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, तो एक तरह से एग्रीकल्चर और पशुपालन से दोनों से ही उनकी आय को इंक्रीज करने वाली जो स्थितियाँ हैं बहुत बेहतर नहीं होती, तो ये सब जो विशेषताएं जो होती हैं वो एक ड्राई फार्मिंग जो रीजन्स होते हैं वहाँ हमें देखने को मिलती है। अगर हम भारत के अंदर इसके जो प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करें कि जो ड्राई फार्मिंग जो एरियाज कौन कौन से हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि अगर उत्तर भारत में बात करें, क्योंकि जैसे ही मानसून जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, या अरब सागर का मानसून हो या बंगाल की फाड़ का मानसून हो, तो जब ये सुदूर उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ जाता है तो अपना मॉइस्चर खो देता है, और कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट जो महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये क्षेत्र जो होते हैं ड्राई फार्मिंग जो रीजन्स हैं उनके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में बात करें तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो यूपी के हैं वहाँ, मध्य भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो ड्राई फार्मिंग जो रीजन्स हैं उनके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो हम चेन्नई को, मैसूर को, महाराष्ट्र का कुछ भाग, बेसिकली ये जो भाग हैं प्रायद्वीपीय भारत के जो भाग हैं
वो जो रेन शेडो जो जोन्स होते हैं, वृष्टि छाया जो क्षेत्र होते हैं, जो कोई भी वो क्षेत्र जो किसी उच्चावच के विपरीत दिशा में होते हैं, जहाँ पर जो मानसून के सामने वाला जो भाग होता है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, और दूसरे भाग के अंदर क्योंकि वहाँ पर उसका मॉइस्चर कम हो जाता है तो सैचुरेशन नहीं होने के कारण वहाँ वर्षा कम होती है, तो प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया क्षेत्र या रेनफेड जो एरियाज होते हैं वो वृष्ट वहाँ पर जो ड्राई फार्मिंग जो है या शुष्क जो कृषि है वो की जाती है। और दक्षिण पश्चिम भारत में आंध्र प्रदेश मैसूर के भी ये वही क्षेत्र हैं एक तरह से जो रेनफेड एरियाज के अंदर जिनको शामिल किया जाता है। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू है वो है वाटर की अवेलेबिलिटी या नमी जो है ज़मीन के अंदर, मॉइस्चर जो होता है उसकी कमी का होना, जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ है, तो वो नहीं मिल पाता। तो कैसे हम इन जो शुष्क जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर प्रबंधकीय काम करें, क्या 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 कार्यक्रम चलाएं या क्या क्या एफर्ट्स किए जाएं जिसके द्वारा वहाँ पर इस ड्राई फार्मिंग को हम डेवलप कर सकें। तो इसके लिए एक तो जो ड्रेनेज जो पैटर्न है वहाँ पर जो भी रेनफॉल हमें जब भी मिलती है और जो रन ऑफ वाटर के रूप में जो पानी बह के चला जाता है उसको संरक्षित करने के लिए इन क्षेत्रों के अंदर प्रयास किए जाने चाहिए, जिनसे कि जैसे कॉन्सेप्ट भी है खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, तो उसकी कॉन्सेप्ट यही है कि जो रेनफॉल हमें मिल रही है उसको संरक्षित करें जिससे कि ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो, अंतःस्पंदन हो और वो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर की जो मात्रा है वो बढ़े, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो पूरा जो एरिया जो होता है वहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी शुष्क जो कृषि होती है वो अधिकतम क्षेत्र में की जाए, जिससे कि एक तो जो सोइल का जो इरोजन है वो रुकता है, सोइल की जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो रुकती है, और वेजिटेशन के डेवलपमेंट से एटमॉस्फेरिक जो नमी है वो बढ़ती है, तो वो प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही गहरी जुताई जो है कृषि के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि वाष्पीकरण से जो पानी का जो नुकसान, नमी का जो नुकसान होता है उसको संचित किया जा सके, ज़मीन के अंदर नमी को संचित किया जा सके। साथ ही जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं, जैविक जो खाद हैं, उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि सोइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है वो बढ़ जाए। साथ ही ढाल वाले जो स्थान होते हैं, जो स्लोप एरिया जो होते हैं, उनके विपरीत जो जुताई की जानी चाहिए, जिससे कि जो रन ऑफ वाटर है, जो बहने वाला पानी है उसको रोका जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, और साथ ही खेत के चारों तरफ मेड़बंदी की जानी चाहिए, जिससे जो रेनफॉल से जो पानी मिलता है उसको हम उसी स्थान पर संरक्षित कर सकें। दूसरे प्रयासों की बात करें तो जल में जो है नमी जो है वो पहले वाली बात हमने की, किस तरह से जो भी हमें रेनफॉल मिल रही है चाहे वो बहुत कम मात्रा में मिल रही है तो उसको हम कैसे संरक्षित करें। दूसरी बात ये है कि जो ऑलरेडी जो मॉइस्चर सोइल के हैं अंदर है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो ड्राई फार्मिंग है, जो शुष्क कृषि है उसको हम प्रमोट कर सकें, बेहतर कर सकें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खरपतवार जो होती है उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि खरपतवार जो ज़मीन की जो नमी होती है उसका शोषण करती है, जिसके कारण जो वहाँ पर फसल की जाती है उसके अंदर नमी की का अभाव हो जाता है। साथ ही पंक्तियों में फसलों की बुआई की जानी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पंक्तियों में किया जा रहा है। साथ ही इरीगेशन जो फैसिलिटी यहाँ की जाएगी, जो मेथडोलॉजी की बात करें तो यहाँ जो स्प्रिंकलर इरीगेशन किया जा रहा है, जिससे कि नमी को जो पानी का जो वेस्टेज होता है उसको रोका जा सके। साथ ही जहाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं, खेती जो कर रहे हैं, वहाँ पर वाष्पीकरण को रोकने के लिए जो पॉलीथीन है उसका भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्रॉप है और क्रॉप के बीच में से छेद करके उसको निकाल दिया गया है पर्टिकुलर प्लांट को, लेकिन उसके चारों तरफ जो है पॉलीथीन का उपयोग किया गया है, जिससे कि ज़मीन के अंदर जो नमी है उस नमी को वाष्पीकरण के द्वारा जो नुकसान होता है उसको रोका जा सके। और ये क्योंकि गली के अंदर किया जाता है तो यहाँ पर
जो इरिगेशन जो भी किए जो किए जाएगी, सिंचाई जो की जाएगी, तो सीधी नमी जो है प्लांट्स को मिल सके और वो पानी जो है अतिरिक्त जो फैल जाता है उसके कारण जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम नियंत्रित कर सकें। इसी तरह से तीसरे डायग्राम में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शेडो बना दी गई है जिससे कि जो नमी को वाष्पीकरण को रोक सकें और उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस जो हाउसेज जो होते हैं जहाँ पर आपने देखा भी होगा कि लोग ग्रीन शेड डेवलप करते हैं जिससे कि वहाँ एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करके वहाँ जो नमी है उसको भी संरक्षित करने का काम जो है वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ हम पंक्तियों में फसल करके पौधों की संख्या औसत एक खेत में कम रखें जिससे कि कम नमी के अंदर उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। साथ ही क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस जो एग्रीकल्चर होती है, सघन जो फसल होती है वो भी ड्राई एरियाज के अंदर, तो जितना एरिया वो होगा तो जो प्लांट्स जो पानी जो नमी ज़मीन से लेते हैं और पत्तियों के माध्यम से जो वाष्पीकरण होता है, तो वहाँ कम सघन फसल होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण से जो नुकसान जो होता है वो कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों की संख्या औसत रूप से खेतों में कम रखी जाए। और मैंने जैसे कहा कि पॉलीथीन का उपयोग, कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जा सकता है जिससे कि जो नमी का जो नुकसान होता है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसी तरह से जो ड्राई फार्मिंग है उसमें मृदा जल का जो मैक्सिमम जो उपयोग है वो किस तरह से करें, उस दृष्टिकोण से देखें तो मृदा जल के उपयोग के लिए ऐसी फसलों को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर कम होता है, वर्षा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, तो वहाँ कम अवधि की जो फसलें होती हैं वो बेहतर प्रोडक्शन दे सकती हैं। साथ ही फसलों की सूखा सहन करने की जो क्षमताएं होती हैं वो अधिक होनी चाहिए, उन फसलों की जो जड़ें हैं अधिक गहराई तक जाएं जिससे कि वो नमी वहाँ से अवशोषित करके जो क्लाइमेटिक हैजार्डियस जो कंडीशंस होती हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल होती है, उस स्थिति में वो अपने आप को सस्टेन कर सके। साथ ही जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो वहाँ के जो रेनफॉल जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेड़ व नालियों में फसल को बोया जाना चाहिए। अब जब ये ड्राई जो क्रॉप्स होती हैं या ऐसी फसलें जो कम पानी में वो हो सकती हैं, तो राजस्थान के अंदर जो काजरी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है जिससे कि विभिन्न भागों में जो शुष्क जो फसलें होती हैं या ऐसी सीड्स को डेवलप करना जो ड्राई कंडीशंस के अंदर भी सस्टेन कर पाएँ, तो ऐसे प्रयास यहाँ किए भी जा रहे हैं। अगर हम भारत के अंदर ऑल ओवर चीज़ों का देखें कि जो ड्राई फार्मिंग है, तो हमारे यहाँ जो कुल एग्रीकल्चर लैंड है उसके 1,14,123,00,000 हेक्टेयर जो भाग है 100% असिंचित है, यानी पूरी तरह एक रेनफेड एग्रीकल्चर है, वर्षा आधारित है। और यहाँ भारत में जो दालें जो हैं जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो शुष्क कृषि प्रदेशों में ही की जाती है। 85% जो दाल हैं वो बेसिकली शुष्क जो भाग है वहीं पर उसका उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर लगभग 75% तिलहन, 80% मक्का, 95% ज्वार शुष्क क्षेत्रों के में ही उसका प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही कम उत्पादक के कारण जो ड्राई लैंड्स जो होते हैं इन क्षेत्रों में कुल जो प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 4% खाद्यान्न का उत्पादन होता है और सामान्यतः जो होता है वो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, दालें और तिलहन की जो फसलें हैं वो इन क्षेत्रों में की जाती है। ICAR की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जब बात करें तो इन्होंने MP और UP के अंदर अपना रिसर्च किया था और उन्होंने उसके आधार पर कहा कि जो ड्राई फार्मिंग जो एरियाज होते हैं वहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है, मिश्रित जो फसलें हैं उनको अधिक उपयोग में लिया जाना चाहिए। और भारत के अंदर जो पारंपरिक जो कृषि की जाती थी उसमें जो कृषि विविधीकरण की बात करते हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्जिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो एक तरह से इन्हीं जो ड्राई फार्मिंग जो एरियाज़ हैं उनके लिए अनुकूल होती थी। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो प्लस चना, गेहूँ प्लस चना प्लस ज्वार, अरहर आदि का उपयोग किया जा सकता है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी जो ड्राई फार्मिंग जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर
प्रयास किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, जो छोटे जो माइक्रो जो वाटरशेड जोन्स जो हैं उनको लगभग 4,600 नो को वो ड्राई फार्मिंग के लिए डेवलपमेंट के लिए उनका उपयोग के लिए प्रयास किए गए। इस तरह से भारत जैसे देश जहाँ पर अधिकांश पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मानसूनी क्लाइमेट है, अनसर्टेनिटी, अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी स्थितियाँ हैं, वहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राई फार्मिंग को अपनाया जाना, उसके लिए टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट किया जाना, सीड्स के अंदर जो इरिगेशन जो पैटर्न्स हैं, एग्री जो टूल्स हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, मटका पद्धति हो, ड्रॉप इरिगेशन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ के लिए रहेगी, जिससे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सकें और एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जो बात या सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात जो एम एस स्वामीनाथन करते हैं, उसके अंदर हमको मैक्सिमम जो हमारे ड्राई फार्मिंग जो एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना होगा। धन्यवाद।